हूँ शालू वर्मा। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष खुराना जी से। सर वेलकम सर। और आज हम इनसे जानेंगे कि न्यू बॉर्न बेबीज़ के बारे में कि उनकी देखभाल कैसे करी जाए। कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमें समझ ही नहीं आती कि बच्चा क्या चाहता है क्योंकि हम उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते। तो ये सारी जानकारी आज हम डॉक्टर साहब से लेंगे, तो आइए बातचीत करते हैं इनसे। सर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि न्यू बॉर्न बेबीज़ को फीड कौन सा देना चाहिए, बोतल वाला या पाउडर मिल्क? कई यानी लेडीज़ पाउडर मिल्क दे देती हैं, तो आप बताइए कि हमें उसको फीड किस तरह से देना चाहिए। देखिए, हम एडवोकेट करेंगे मदर का दूध, ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान, ठीक है। चीपेस्ट और बेस्ट दूध जो बच्चे के लिए होता है वो ब्रेस्ट फीड होता है, ठीक है ना। और बच्चे का दूध, बच्चे के लिए जो दूध है, अगर आप उसको बॉटल से देंगे, क्योंकि बाकी जो भी दूध देना है आपको, गाय का हो जाए या फॉर्मूला फीड हो जाए, आपको बॉटल से देना पड़ता है। और बॉटल से बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बॉटल से बच्चों को इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। बॉटल से होता क्या है कि बच्चा दूध जब पीता है तो बहुत सारी हवा खींच लेता है, तो वो पेट में आधा दूध और आधी हवा भरी रहती है, तो उसका पेट में जगह नहीं है, लेकिन अभी उसको भूख लगी है तो वो और रोता है, और रोने से और हवा भर जाती है। तो इसका जो मेन कारण है पेट दर्द का, ये बॉटल रहती है। बॉटल से डायरिया बहुत, इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन बहुत हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बॉटल बिल्कुल नहीं। और माँ का दूध बच्चे के लिए हमेशा अवेलेबल है ही, बच्चा माँ के पास होता है, उससे क्या होता है, बच्चे और माँ की बॉन्डिंग भी बहुत बढ़ती है, बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि बच्चे के लिए जो है ना, सिर्फ माँ का दूध। माँ का दूध आप एक साल तक आराम से बच्चे को पिला सकते हैं, चार महीने तक के बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, सिर्फ माँ का दूध, पानी भी नहीं पिलाना। पाँचवें महीने से आप उसको थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी, दाल का पानी, चावल का पानी, नारियल पानी, ये चीज़ें आप उसको थोड़ा थोड़ी मात्रा में आप शुरू कर सकते हैं, वो भी चार महीने के बाद, क्योंकि माँ के दूध के अंदर सब कुछ होता है। उसके अंदर कैलोरीज वाला जो है फैट भी होगा, ठीक है, प्रोटीन भी होगा, उसके अंदर पानी भी होगा, तो वो प्यास वगैरह सब जो है वो माँ के दूध से उसकी भरती रहेगी। तो पाँचवें महीने से हम लोग उसको जो है ये दाल का पानी और अदर देन जो है ये शुरू करेंगे लिक्विड्स, ठीक है। छः महीने का जब वो हो जाता है तो सातवें महीने से हम उसको सेमी सॉलिड आहार देना शुरू कर सकते हैं, जैसे पतला पतला केला करके दे सकते हैं, थोड़ी सी दही दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग उसको आलू को बॉयल करके, मैश करके वो दे सकते हैं, सेब को बॉयल करके, मैश करके वो दे सकते हैं। तो सेमी सॉलिड जो है ना, ये हम लोग घर की बनी हुई खिचड़ी दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें हम लोग इसको छः महीने के बाद देते हैं, लेकिन चार महीने तक हम ये एडवोकेट जरूर करते हैं कि सिर्फ माँ का दूध बच्चे को मिले, ये रहता है, ठीक है सर। सर बर्थ के बाद ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को किस टाइम नहलाया जाए, बर्थ के कितने समय के बाद नहलाया जाए, इसके बारे में? नहलाना बहुत अच्छा होता है क्योंकि बच्चा उससे एक्टिव रहता है और उसके बाद उसको नींद भी काफ़ी अच्छी आती है। पर शुरू के कई दिन हम लोग कहते हैं कि बच्चे को सिर्फ स्पॉन्ज कर देना चाहिए, हल्का कपड़ा लेके उसको गीला करके उसको उसी से पोंछ के आप कर देते हैं, तो जैसे साफ कर देते हैं। तो आप मान के चलो शुरू के तीन एक हफ्ते आप उसको जो है स्पॉन्जिंग से ही काम चलाएं, और उसके बाद जो है उसको नहलाना शुरू करें, ठीक है ना। ये है, और गुनगुना, हल्का गुनगुना कोसा पानी होता है, और सिर्फ पानी से नहलाएं, कोई शैम्पू नहीं, कोई उसको यूज़ नहीं करना, सोप नहीं यूज़ करना, कुछ नहीं, सिर्फ पानी से नहलाना है उसको और टैप ड्राई करना है। ओके। वैसे सर देखा जाता है कि डिलीवरी के टाइम में नर्सिस भी, यानी कि बेबी जब मदर के हैंड में या रिलेटिव्स के हैंड में देती हैं, तो उसको नहला के ही उसको साफ करके देते हैं। ओके। उसको साफ करके देते हैं, तेल से या ग्लिसरीन से उसको साफ करके, और बच्चे को अच्छे से साफ करके फिर देते हैं, नहलाते नहीं, उसको साफ करके देते हैं, ठीक है। और सर मालिश भी एक मेन हिस्सा होता है बच्चों के लिए, तो आप मालिश के बारे में बताइए कि कौन से तेल से करनी चाहिए, कब और कैसे करनी चाहिए, सही तरीका उसको? मालिश के लिए जनरली हम ऑलिव ऑयल, जिसको जैतून का तेल बोलते हैं, ऑलमंड ऑयल, बादाम का तेल होता है, या फिर जो नॉर्मल घर में घी अवेलेबल होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मालिश करने की ऐसी कोई विधि नहीं होती, बल्कि हल्का सॉफ्ट हैंड से आप बच्चे की मालिश करें। फ़ायदा वो रहेगा अगर उसको हल्की धूप में मालिश करें, ताकि उसको विटामिन डी जो है ना वो सूरज की किरणों से वो मिलता रहे, ठीक है। तो ये होता है, और मालिश करके एक घंटा उसको खेलने दें, उसको साइड में रख दें, और उसके बाद एक घंटे के बाद उसको नहलाएं, और दूध पिलाने के एकदम के बाद मालिश नहीं करनी चाहिए, और हाथ एकदम सॉफ्ट हैंड यूज़ करने हैं, जोर से नहीं मालिश करनी, क्योंकि मालिश से फ़ायदे बहुत होते हैं।
ब्लड सर्कुलेशन बॉडी की अच्छी होती है, बच्चा एक्टिव हो जाता है और हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं, विटामिन डी मिल जाती है अगर धूप में करते, तो मालिश ज़रूरी है। ठीक है सर। और कई बार सर बच्चा मोस्टली रोते ही बहुत हैं, छोटे बच्चे, उनकी समझ ही नहीं आती कि किस वजह से रो रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसके बारे में हमें बताइए कि बच्चा रोता है उसका रीज़न क्या होता है, या माँ उसको किस तरह से समझे कि ये क्या चाहता है। देखो, बच्चा हर चीज़ के लिए रोएगा क्योंकि उसको बताना है, कोई चीज़ एक्सप्रेस करनी है, तो वो बोल नहीं सकता, कोई और उसका माध्यम नहीं है, तो वो रोएगा। अब वो किस लिए रोया है, वो माँ को थोड़े देर के बाद वो सिग्नल्स होते हैं, वो संकेत होते हैं जो वो माँ को समझ में आ जाते हैं। हम लोग मैक्सिमम क्या सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बच्चा रोता है वो भूखा होने के कारण रोता है। बच्चा जैसी भूख लगेगी उसको, वो और कुछ नहीं करेगा, वो रोएगा। तो जैसी बच्चा रोए, आप एक चीज़ तो ये देख लेंगे कहीं वो भूखा तो नहीं है। दूध पिलाते अगर चुप हो गया तो भूखा है। दूसरा कारण क्या होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, तो माँ सांस लेती है, हिलती है, डुलती है, चलती है, रूटीन के काम करती है, तो बच्चे को एक वो रॉकिंग मूवमेंट की आदत पड़ जाती है। वो बच्चा बाद में जब बाहर आ जाता है, जब उसको बेड पे लिटा दिया, अकेला है या कोई उसके पास नहीं है, तो वो उसको वो मूवमेंट नहीं मिलती, तो वो इनसिक्योर फील करता है, तो वो इसलिए वो रोता है। तो बहुत बार आपने देखा है, या तो गोदी में लेने से बच्चा चुप हो जाता है, ठीक है ना, या फिर वो छोटे छोटे पींगे और वो पालने बनाए होते हैं उसमें डालने घुमाते हैं, तो वो भी उसी तरह का काम करता है, झूले की तरह। तो ये दो कारण तो आप सबसे पहले कर ही लो। उसके बाद बच्चा छोटा होता है, किसी ने उसको जोर से पकड़ लिया या उसका अंग कोई मुड़ गया, तो इसके कारण भी बच्चे रोते हैं। तो ये दो तीन कारण तो नॉर्मल होते हैं। उसके बाद जो कारण होते हैं, वो आप अगर फिर भी बच्चे को आपने दूध भी पिला दिया, गोदी में भी खिला दिया है, ठीक है ना, वो अंग वंग भी कोई मुड़ा नहीं हुआ, फिर भी आपको लगता है बच्चा रोता, तो हो सकता है उसके पेट में दर्द हो या उसके कान में दर्द हो। ये दो बहुत कॉमन दर्द होते हैं बच्चे के, तो आप पास ही किसी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। घर में कोई ऐसी दवाई नहीं देनी चाहिए। ठीक है सर। जैसे कि बच्चों की स्किन काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो मेन चीज़ होती है क्लॉथिंग का, उनको किस तरह से कपड़े पहनाने चाहिए, कैसे पहनाने चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कपड़ों का दो भाग हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, एक तो गर्मियों के, एक सर्दियों के। तो जैसे आजकल गर्मी है, तो कॉटन की क्लोथिंग हमेशा हम लोग प्रेफर करते हैं। जो दूसरा फैब्रिक होता है वो कैसे होता है ना, गर्मी अंदर रख लेता है, उससे बाहर नहीं निकल पाती, तो बच्चा गर्मी बहुत महसूस करता है। बच्चा गर्मी महसूस करेगा ना, तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है वो बहुत रोएगा। तो इसलिए जो है ना, सॉफ्ट से कपड़े हों, ज़्यादा कपड़े भी नहीं पहनाने हमने गर्मी में। बच्चा इरीटेट होता है ज़्यादा कपड़ों से, उसको ऐसे लगता है जैसे सांस में दिक्कत आ रही है, घुटन हो जाती है, तो बच्चे को कॉटन के कपड़े पहनाने, ऊपर बनियान या शर्ट और नीचे जो है, अगर आप डायपर यूज़ कर रहे हैं या फिर जो छोटे आजकल अंडरवियर होते हैं बच्चे के, वो यूज़ करें। गर्मियों में इतना ही बहुत होता है। सर्दियों में हम लोग जो है हाथ पांव भी कवर करते हैं, सॉक्स हो गया, मिटन्स हो गया, हम लोग ये चाहते हैं टोपी हो, कैप भी, कान भी कवर हो। तो जो है आपने सर्दियों के हिसाब से उसको गर्म कपड़े, पहली लेयर कॉटन की उसमें रखनी है उसमें भी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप गर्मी और सर्दी में बच्चों को कपड़ों के हिसाब से आप रख सकते हैं। सर एक बात और पूछना चाहूँगी कि जैसे आजकल, पहले तो ऐसे मदर्स नहीं करती थी, 24 आवर्स डायपर में ही रहता है बच्चा, ये सही है या गलत? देखो, डायपर बुरा नहीं है, लेकिन उसको सही ढंग से यूज़ करना चाहिए। 3 घंटे से ऊपर मैक्सिमम है आपने डायपर को रखना नहीं, क्योंकि डायपर गीला होगा तो बच्चा इरीटेट होगा, स्किन पर इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियाज के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 3 घंटे से ऊपर नहीं, ठीक है ना। और डायपर सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा ठंड में हर आधे घंटे में सुसु करेगा, तो आप आधे घंटे में वो रजाई हटा के और उसका वो बदलेंगे, तो फिर वो ठंड लगने के डर भी रहते हैं। तो डायपर के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनसे आपको बचना चाहिए। जल्दी जल्दी चेंज करते रहें, और डायपर लगाने से पहले कोई क्रीम जरूर लगाएं, ताकि रैशेज जो है ना वो कम हो जाए। डायपर के रैशेज बहुत तंग करते हैं बच्चों, तो कोई ना कोई क्रीम लगा के एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर, ताकि वो रगड़ से ना लगे उसके ऊपर, तो उससे ठीक हो जाता है। तो सर कई बच्चे जैसे स्टूल्स की प्रॉब्लम होती है, उनको पोटियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं, कई बच्चों तो दिन में 3-3, 4-4 बार या इससे भी ज़्यादा कर देते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो 3-4 दिनों बाद करते हैं, तो वो भी मदर्स के लिए एक प्रॉब्लम ही होती है, वो सोच ही नहीं पाती, वो परेशान ही रहती है ये सोच के ज़्यादा करे तो भी। तो आप इसके बारे में हमें क्या बताएंगे? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग कह देते हैं कि 1 दिन में 9 बार या 9 दिन में 1 बार भी करें तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चा करता है, बच्चा हर बार दूध पिएगा, तो कोशिश उसकी रहती है कि हर बार वो जो पॉटी करेगा, हरे रंग की पॉटी हो,
या उसके अंदर अलग से पानी आ रहा हो, पिचकारी की तरह पानी आ रहा होता है, स्मेल वाली पॉटी होती है बहुत ज़्यादा, तो ये ऐसा हो सकता है, अभी इन्फेक्शन वाली पॉटी है ऐसा, तो तब उसको डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना चाहिए, ठीक है। और 8-8 दिन कई बार बच्चे पॉटी नहीं करते हैं, उसका हम लोग एक घर में एक नॉर्मल सा तरीका बताते हैं, जब भी 5-6 दिन निकल जाएँ तो एक कटोरी दूध, अम्मी का ही दूध कटोरी में लेके उसमें 1 चम्मच चीनी अच्छे से घोल के वो वाला दूध बच्चे को पिला दें, अगर उसको कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो वो उससे रिलीफ नॉर्मली हो जाती है इससे। और सर गर्मी, जैसे आजकल तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बच्चे गर्मी में बहुत ज़्यादा बीमार बहुत ज़्यादा होते हैं, तो गर्मी में बच्चों की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए? गर्मी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हाइड्रेशन, मतलब शरीर का पानी कम नहीं होना चाहिए, तो क्योंकि छोटा बच्चा है पानी हम दे नहीं रहे तो उसका एक ही सोर्स है जो है स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग, तो इसीलिए मदर को जल्दी जल्दी उसको दूध पिलाना चाहिए ताकि जो उसका पसीने के अंदर जो उसका वाटर लॉस हो रहा है बॉडी का, वो क्योंकि दूध के अंदर पानी रहता है, उसके अंदर मदर के जो दूध रहता है, तो वो जल्दी जल्दी उसको पिलाते रहेंगे ताकि उसको वो कमी ना हो। सेकेंडली, बहुत सारे लोग बोलते हैं एसी ठीक नहीं है, कूलर ठीक है, एसी बुरा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेम्परेचर आप 25 से 28 के बीच में मेंटेन करके रखो बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एसी चला सकते हैं, कपड़े थोड़े से कम, ठीक है ना, सिर्फ बनियान या एक टी शर्ट या कॉटन की उसमें रख के कपड़े कम से कम रखेंगे तो काफ़ी ठीक रहेगा, ये रहे। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दर्शकों, आज हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि हर लिहाज से ब्रेस्ट फीडिंग ही बच्चे के लिए बेस्ट है, बेशक से हम कोई मर्जी दूध बच्चे को पिला दे, लेकिन जो फ़ायदा मदर के मिल्क से होता है वो किसी भी चीज़ से हम बच्चे को नहीं दे पाते, तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग को आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अगली बार आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।